भीतरवार में इस वक्त तेज बारिश और ओले ने भारी तबाही मचाई है। भारी ओले ने अन्नदाताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। एक घंटे की बारिश और ओले से कई दिनों की फसल चौपट हो चुकी है। विधानसभा के करीब 30 गांव में ये अति ओलावृष्टि देखने को मिली है, जबकि 80% से अधिक फसलों को भारी नुकसान देखना पड़ा है। अब अन्नदाताओं के आंसुओं की पुकार कौन सुनेगा और प्रशासन ने नुकसान का सर्वे करने के लिए टीमें भेजने का आदेश दिया है और अब तक बाढ़ के सर्वे के बाद भी इन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इसी को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव जी, जिनके विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है, तो उनसे जानते हैं क्या है, क्या अभी स्थिति वहां की। लाखन सिंह जी बताइए क्या स्थिति अभी वहां की। अभी मैं इस क्षेत्र में दौरे पे हूँ, पूरे गांवों में, जिन गांवों में जबरदस्त शाम को 7 बजे ओलावृष्टि हुई है जी। मैं सुबह से करीब 17-18 गांवों में होके आ रहा हूँ। इस समय पूरा एक बेल्ट, पूरा हमारा मोना से लेके आरोन पटाई करैया और ईंटवा पचौरा पूरा बेल्ट खत्म हो चुका है। पूरे 100% मेरे साथ सभी अधिकारी, SDM, तहसीलदार वगैरह सारे अधिकारी हैं। इस समय बहुत स्थिति है, पूरे क्षेत्र में त्राई त्राई मची हुई है। मुझे लगता है कि इस समय अपने जीवन में, मैं 58 साल मेरी एज हो गई, मेरे लाइफ में इस तरह का ओलावृष्टि कभी नहीं हुई है। और पूरी 100% जितनी भी क्रॉप थी, चाहे सरसों थी, गेहूं थी, मटर थी, सारी की सारी क्रॉप पूरी तरह खत्म हो चुकी है। किसानों में इस समय बहुत त्राई त्राई मच गई है, किसान पलायन की स्थिति में जी। लाखन जी, अब इनके लिए, किसानों की मदद के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है प्रशासन की तरफ से? और बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्रशासन के अधिकारियों से बात की है, प्रशासन के लोग सारा कुछ देख रहे हैं, खुद स्पॉट पर मौजूद है मेरे साथ। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को किसान पुत्र कहलाते हैं जी। और इस समय हमारे क्षेत्र के समस्त किसानों पर बड़ी आपदा आई है, जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे दुखद की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना खजाना खोल देना चाहिए और हमारे क्षेत्र के किसानों को, जो इस समय उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखों के आंसू पहुंचने का उन्हें काम करना चाहिए जी। लाखन जी, जैसा कि आपने बताया कि किसान इस वक्त रो रोकर उनका बुरा हाल है, तो आपसे किसानों के द्वारा क्या मांग की जा रही है? देखिए, किसानों का सीधा सीधा कहना है कि हमारी जो फसल नुकसान हुआ है, वो फसल का पूरी तरह ईमानदारी से सर्वे होकर उसका विधिवत मुआवजा मिले, पहली उनकी मांग है। सेकेंडरी, अभी तक इन पर जितने भी सरकारी कर्जे हैं, वो सारे के सारे कर्जे इनके माफ कर दिए जाए, क्योंकि इस समय इनके खाने के लिए घर में कुछ बचा नहीं है। कई गरीब लोगों की जो झोपड़ियां थी, पाट थे, सारे के सारे ध्वस्त हो गए ओलों की वजह से। आधा आधा पौन पौन किलो तक का ओला गिरा है यहाँ। तो ऐसी स्थिति है कि इस समय मुख्यमंत्री जी को खजाना खोलना चाहिए और जितने भी हमारे किसानों पे कर्जे उनको माफ कर देना चाहिए, बिजली का बिल माफ करना चाहिए। और इस समय किसानों के आंसू जो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि आपके आंसू नहीं आने दूंगा, आज इस क्षेत्र का दौरा करें, अपनी टीमें भेजें और खुद मुख्यमंत्री जी आके यहाँ एक बार देखें, तो उन्हें पता लगेगा। यही मेरी मांग है कि हमारे क्षेत्र में जो त्राई मची है, उसका भरपूर मुआवजा दिलाया जाए। लाखन जी, जैसा कि आपने बताया कि झोपड़ियां भी टूट चुकी है कई गरीब वर्ग की, तो क्या उनके रहने के लिए अभी कोई व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा? अभी मैंने कहा, शाम को 7 बजे की घटना है जी, अभी कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन अभी सब साथ में, सारा हमला साथ चल रहा है, हम लोग भी गांव-गांव में जा रहे हैं। तो अभी तो अब व्यवस्था ऐसे होंगी, अब देखते हैं कितनी व्यवस्था होती है। आज हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में एक भीषण आपदा और आई थी, यहाँ उस समय बाढ़ आई थी मेरे क्षेत्र में, उस समय का हमारा किसान मारा हुआ अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाया है, लेकिन आज ये दूसरी आपदा है। और मैं चाहता हूँ कि उस समय हमारे यहाँ जो आपदा आई थी बाढ़ के समय, उस समय किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आए थे मेरे क्षेत्र में भीतरवार में, और उस समय मैंने उनसे जो बात रखी थी कि इस समय हमारे लोगों को मुआवजा आप ईमानदारी से दिलवाएं। लेकिन जो एक कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, उस समय जो सर्वे हुआ था वो इंटेंसली सर्वे हुआ था, बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग जिनका फसल पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी, मकान ध्वस्त हो गए थे, घर में कुछ बचा नहीं था, ऐसे लोगों के नाम छूट गए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बार ऐसी स्थिति न बने, ईमानदारी से ये सर्वे हो और ईमानदारी से हमारे लोग जो दुखी लोग हैं, उनका दुख के आंसू इस समय पहुंचने का आप लोग काम करें जी। बिल्कुल, खबर मध्यप्रदेश से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।